हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम बात करेंगे बेल इंडिया रिक्रूटमेंट के बारे में। ध्यान से देखिएगा, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे रखे गए हैं आपके 110। ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं 52 + 58, दैट इज 110। 110 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 का पोस्ट है, जिसमें रिक्वायरमेंट क्या है, बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग 4 ईयर्स का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इतने सारे ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट है। रिक्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे टोटल 110 पोस्ट है, जिसमें से जॉब लोकेशन विशाखापट्टनम, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद और बेंगलोर होगा। 4 जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है अपर एज लिमिट। ध्यान रखेंगे, जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 32 ईयर्स रखा गया है और एज का कट ऑफ डेट रखा गया है 1 फरवरी 2023 को। रिमेनिंग जितने भी कैंडिडेट होंगे रिजर्व कैटेगरी के, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी विद 40% मिनिमम, उन सभी को 3 ईयर्स, 5 ईयर और 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है। नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रिन्यूमरेशन। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर वाइजैग लोकेशन 52 पोस्ट के लिए 2 ईयर्स के लिए उनको रिक्रूटमेंट किया जाएगा और 2 ईयर्स में पहले साल 40,000 का पे स्केल होगा, दूसरे साल में 45, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियर रहेगा। न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, बेंगलुरु लोकेशन जहां पे 58 पोस्ट रखे गए हैं, उसके लिए फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, टोटल 4 सालों का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसमें से 40,000, 45,000, 50,000 एंड 55,000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ईयर तक का कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट पे किया जाएगा। क्लियर है। क्वालिफिकेशन अगर आप यहां पर देखेंगे तो नेक्स्ट है यहां पर ओवरऑल टेन्योर के बारे में बताया गया है, लिमिटेड टू 3 ईयर्स ओनली, एक्सटेंडेबल। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको ऑलरेडी बी बीटेक के बारे में मैंने बता दिया है कि रिक्वायरमेंट कौन कौन से ब्रांच वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, मैकेनिकल, मैकेनिकल के साथ साथ कंप्यूटर साइंस, आईटी, सभी को यहाँ पे इलिजिबल रखा गया है। मिनिमम परसेंटेज जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने कैंडिडेट होंगे उनको 55% रखना है, 55% मिनिमम होना चाहिए या उससे अबव। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर्स का रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डोमेन में, मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। यानी कि अगर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यहां पर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन कौन से लैंग्वेजेस का, तो सी, C++, जावा, वेब टेक्नोलॉजी, HTML, CSS, JavaScript, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लाइक लिनक्स, विंडो और RDBMS। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन रिलेवेंट फील्ड में तो आप इलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि कैंडिडेट पोसेसिंग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डोमेन ओनली नीड टू अप्लाई। पहली चीज, एकेडमिक, टीचिंग, रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो कि पहले से ही इंप्लॉयर्स के द्वारा इशू किया गया है उसको यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा और इंप्लॉयर के द्वारा करेंट आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के आना होगा। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पे ओनली वॉक इन, ध्यान रखिएगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा, जिसमें से पहला सेंटर जम्मू, दूसरा रांची और तीसरा गुवाहाटी को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, रांची और गुवाहाटी सेंटर पे वॉक इन इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन के बाद आपको बेल के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गूगल डॉक्स का फॉर्म, गूगल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अपने सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारे वैलिड इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल फॉर्म ओपन करेंगे, देन आफ्टर इसको क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिशन के लिए सबमिट करेंगे, आप उसको प्रिंट करेंगे, एप्लीकेंट बायो डाटा के साथ अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद प्रिंट आउट लेकर के आप वेन्यू पे जाएंगे, जहां पर भी आपको नियरेस्ट होगा, जिसमें से एप्लीकेंट का बायो डाटा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, सीजीपीए कन्वर्जन परसेंटेज में, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, 2 कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ, इसके अलावा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पे स्लिप, इंप्लॉयमेंट आईडी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, तभी आपको यहाँ पे वैलिड कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है। जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्शन होगा तो कम से कम 2 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा और इसके अलावा कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है
जो भी आपकी सैलरी रहेगी उसके अलावा 12,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग अलाउंसेस, स्टिचिंग चार्ज, ड्रेस के लिए अलाउंस, मेडिकल प्रीमियम, अटायर अलाउंस, सब कुछ 12,000 रुपए का अलग से आपको अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे, कोई भी ऐसा ट्रेनिंग इंजीनियर जो ऑलरेडी बेल में कार्य कर रहा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेरी है कोई इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली hrsoftware@bell.co.in पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर टेलीफोन नंबर 08022197160 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर रहेगा? तो गाइज इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, देन आफ्टर फर्दर आप प्रोसीड कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए रिक्रूटमेंट अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।